ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजाराम गुर्जर और बीवीजी के अधिकारियों की बातचीत के वीडियो के मामले में एसीबी की एफआईआर में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम का नाम आने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एसीबी की एफआईआर में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम का नाम आने के दो दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान की ओर से पहला बयान जारी किया गया है। राजस्थान के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ की ओर से जारी प्रेस नोट में पूरे मामले की जानकारी दी गई है और किसी भी तरह की जांच में सहयोग देने की बात कही गई है। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम को गिरफ्तार करने की मांग कर चुके हैं, तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि गहलोत सरकार कूट रचित मामले में संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, गहलोत का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भाजपा और संघ को बदनाम करना। इधर राजस्थान स्वयंसेवक संघ की ओर से कहा गया, राजस्थान एसीबी द्वारा दर्ज प्रकरण और मीडिया में आए समाचार जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम के नाम का भी उल्लेख है। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि निम्बाराम के पास प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में अपने सीएसआर फंड द्वारा सहयोग करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। निम्बाराम ने उनसे आग्रह किया था कि वे इस केंद्र का स्वयं दौरा करें और वहां की आवश्यकताओं को समझकर यदि उचित लगे तो इसमें सहयोग देने का तय करें। निम्बाराम ने कंपनी के प्रतिनिधियों से इस केंद्र पर जाकर देखने का आग्रह किया था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने दौरे का दिन तय किया था लेकिन वहां पर गए ही नहीं। इसके बाद सीएसआर फंड से किसी राशि या अन्य किसी भी रूप में सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रताप गौरव केंद्र एक राष्ट्रीय तीर्थ है, इसका महत्व इसे देखने पर ही ध्यान में आता है। देश का गौरव बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी परियोजना पर समाज बंधुओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। संघ की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 20 अप्रैल को संघ प्रचारक निम्बाराम से कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात और बात की थी। प्रचारक निम्बाराम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से लोग मुलाकात करने आते हैं। निम्बाराम की इस सामान्य शिष्टाचार भेंट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी भूमिका से जोड़ना निंदनीय है। अलग अलग समय और संदर्भों में की गई बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें बाद में जोड़कर राजनीतिक कारणों से उसके कुछ और ही अर्थ निकाले जा रहे हैं। ये वीडियो तथ्यों से परे है और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए जारी किए गए हैं। प्रेस नोट में आगे कहा गया कि कानून का पालन करने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के नाते निम्बाराम हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक निहित स्वार्थ के चलते तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जबकि इस मामले में किसी प्रकार की राशि का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। इसलिए इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर अनर्गल आरोप लगाना समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के चरित्र हनन के समान है। वैचारिक द्वेष और दुर्भावना से लगाए जा रहे इन झूठे आरोपों एवं लांछनों का हम खंडन करते हैं और कानून सम्मत कार्रवाई करने के सभी प्रकार के विकल्प हमारे सामने खुले हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।